नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज शिवू को थोड़ा शाम को हल्का घुमाने के लिए रिंग में ले जा रहे हैं। मौसम ठीक है शाम का, तो क्या है, शाम को भी कभी कभी टाइम मिल जाए तो शाम को भी निकाल देते हैं। शिवू अभी अच्छी हाइट ले रही है। शिवू में कोई वैसे बैड हैबिट तो है नहीं, अच्छा बिहेवियर वाली है, बॉडी अच्छी बनेगी है। मौसम बढ़िया है, पीछे देख सकते हो रज का बिल्कुल अपनी पीक पे है ग्रोथ में। अभी कुछ 10 दिन में ही शुरू हो जाएगा खिलाने के लिए, तो इनके लिए अच्छा हो जाएगा। ड्राई फोडर प्लस ग्रीन फोडर साथ में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। सर्दी के मौसम में खुराक का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और अच्छा शरीर के लिए भी अच्छा है। शिवू लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ करती है कभी कभी, कुछ चीज़ देख लेती है सामने तो वो अपना पीछे पाँव चलाने लगती है। तो योगेश भाई ट्राई कर रहे हैं लेकिन यहाँ आके रुकेगी, फिर जाएगी ये अपना वापसी का रास्ता लेगी। ये हैबिट शिवू की जाएगी लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। अब रिंग में आने के लिए भी इतना तंग कर सकती है तो आगे बड़ी होके तो और क्या क्या नहीं करेगी। लेकिन अच्छा है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे इसकी हैबिट निकल जाइए, दोबारा घुमा के फिर लेंगे। वैसे नहीं आ रही थी तो फिर दोबारा घुमा के ले लिया, अभी आ जाएगी। एक होता है नई चीज़ें हैं तो अभी बच्चा है, नई चीज़ें अभी पीछे पीछे आ रही है तो फिर वो लग जाता है। शिवू को ट्रेन करना शुरू किया था बीच में लेकिन अभी उनका शाम को लेने टाइम नहीं मिल पा रहा, तो कंटिन्यूटी नहीं है तो अभी थोड़ा ऐसे घुमाने से चलती है 7 साल, लेकिन ऊपर राइड करके पहले गाइड करना पड़ता है फिर जाके चलती है। अकेले चलाने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, अभी देखते हैं टाइम मिलेगा तो फिर अभी कोशिश करेंगे शिवू को प्रॉपर अपना टाइम दे के तैयार करने की। अच्छी चाल की घोड़ी बन सकती है, थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन टाइम भी लगेगा। उम्मीद करते हैं अच्छी चाल वाली घोड़ी बने। अभी कुछ टाइम में देखते हैं, एक अच्छा स्टालियन देखा हुआ है तो उसके लिए भी शिवू को भेजना है। अभी देखते हैं जब अगली बार मंथली आएगी तो उस टाइम पे घोड़ा दिखा देंगे। और बाकी जानवर अभी ठीक ठाक थोड़े कंडीशन में आ गए हैं, बाकी सबको देखे तो सर्दियों में गर्मियों में थोड़े वीक हो जाती तो थोड़ी चिंता लगी रहती है, लेकिन अभी ठीक है। बाकी थोड़ा पिकअप ले लिया है शरीर में। ए दीपो मारी सीहन सीहन नाय में बेटा,